17 मई साल 1498 ईस्वी को वर्तमान केरल राज्य के कालीकट तट पर समुद्र के रास्ते कुछ नाविकों ने कदम रखा, जिसके बाद मानो हमारे देश भारत की तकदीर ही बदल गई और इसकी कहानी कुछ अलग ढंग से ही लिखी जाने लगी। दोस्तों, ये वो दिन था जब यूरोपियन समुद्री नाविक एवं खोजकर्ता वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भारत का इतिहास तो हजारों साल पुराना है, सदियों से यहाँ पर जनपद, मौर्य साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत के आदि राजाओं ने यहाँ पर राज किया था, तो फिर कोई कैसे भारत की खोज 1498 ईस्वी में कर सकता है? तो दोस्तों, आपको बता दें, भारत में सदियों से जितने भी आक्रमणकारी जैसे सिकंदर, मंगोल आदि आते थे, तो वह हमेशा भारत को पश्चिमी एशिया से जोड़ने वाले मशहूर रास्ते खैबर दर्रा से होकर आते थे। लेकिन 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते यूरोप से भारत के केरल राज्य के कालीकट तक पहुंचकर एक समुद्री रास्ता ढूंढ निकाला था, जिसे ही वास्तव में भारत की खोज माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, उस समय भारत अपने कृषि उत्पादों के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर हुआ करता था, विशेषकर मसालों जैसे कि काली मिर्च, इलायची, दालचीनी आदि के लिए बहुत प्रसिद्ध था, जिस कारण उस समय भारत के साथ व्यापार करने के लिए यूरोप तथा अरब के देशों के बीच होड़ लगी रहती थी। लेकिन उस वक्त एशिया के प्रमुख देशों जैसे भारत, चीन, म्यांमार आदि के साथ व्यापार केवल स्थलीय मार्ग से ही होता था, जिसे सिर्फ मुस्लिम शासक एवं व्यापारी ही इस्तेमाल किया करते थे और मुस्लिम शासक उस मार्ग से यूरोपियों को व्यापार नहीं करने देते थे। लेकिन जब यूरोपीय लोग भारत में आने के बारे में और यहाँ की दौलत के बारे में सुनते थे, तो वे भारत पहुँचने के लिए और भी उत्सुक हो जाते थे। इसलिए व्यापार मार्ग की समस्या को खत्म करने के लिए कई यूरोपीय देशों ने यूरोप और भारत के मध्य एक समुद्री मार्ग खोजने का प्रयत्न शुरू कर दिया, मगर कई सालों के प्रयासों के बाद भी कोई सफल नहीं हो सका, क्योंकि उस समय यूरोप में समुद्र को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ती रहती थी। जैसे कि कई लोगों का मानना था, अगर समुद्र में नाव को बहुत दूर तक ले गए तो नाव समुद्र के अंतिम छोर पर जाकर गिर जाएगी, इसलिए कुछ नाविक समुद्र में बहुत लंबा सफर नहीं करते थे। लेकिन फिर 1960 के दशक में पुर्तगाल के शहर सींस में जन्मे वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग ढूंढकर यूरोप के सामने व्यापार का एक नया दौर शुरू कर दिया और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। कैसे शुरू हुआ था भारत को खोजने का सफर? दोस्तों, वास्को डी गामा का जन्म 1960 के दशक के आसपास ही पुर्तगाल के सिंस में हुआ था। उनके पिता एस्टेवा भी एक अच्छे नाविक एवं समुद्री खोजकर्ता थे। वास्को डी गामा का सारा बचपन अपने पिता के साथ एक नाविक और यात्रा के माहौल में बीता था। फिर सन 1480 में वास्को डी गामा ने अपने पिता का अनुसरण करते हुए पुर्तगाली नौसेना में वो शामिल हुए। यहीं पर उन्होंने नौचालन का एक एडवांस तरीका और लंबी समुद्री यात्रा करना सीखा। फिर उस समय पुर्तगाल के राजा हेनरी, जिन्हें हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने उत्तर और पश्चिम अफ्रीका में कई सफल समुद्री यात्राओं तथा खोजों को आर्थिक सहायता एवं संरक्षण प्रदान किया था, जिस वजह से बहुत से नाविक नए नए द्वीपों को ढूंढने की कोशिश किया करते थे। इसी के चलते 1487 में पुर्तगाल के ही एक प्रसिद्ध खोजकर्ता बार्टोलोम डायस ने अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक यात्रा करके ये पता लगा लिया था कि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिसके बाद डी गामा, जो समुद्री यात्राओं एवं खोजबीन में गहरी दिलचस्पी रखता था, वो जानता था कि यदि हिंद और अटलांटिक महासागर अफ्रीकी भूमि के अंत में जुड़ते हैं, तो वो अफ्रीका से दूर दक्षिणी कोने पर मौजूद केप ऑफ गुड होप के माध्यम से भारत तक पहुंचने का मार्ग खोज सकता है। जिसके बाद 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा ने 4 जहाजों और 170 आदमियों के दल के साथ पुर्तगाल के लिस्बन शहर से अपनी यात्रा शुरू की। वो खुद 200 टन वजनी सेंट गैब्रियल नामक जहाज में सवार हुआ और अपने छोटे भाई पाउलो को सेंट राफेल नामक जहाज का नेतृत्व सौंप दिया। फिर कुछ दिनों के बाद उनका जहाजी बेड़ा इस समय के मोरक्को देश के निकट स्थित कैनरी द्वीप से गुजरते हुए केप वर्दे द्वीप समूह पहुंचा और वहीं 3 अगस्त तक रुका रहा। आपको बता दें, वे लोग जहाज पर अपने साथ पत्थरों के स्तंभ लेकर आया करते थे, जिसे वे लोग अपने मार्ग को चिन्हित करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण पड़ावों पर स्थापित कर दिया करते थे, जिससे कि उन्हें वापसी का रास्ता मालूम हो सके। वास्को डी गामा ने गिनी की खाड़ी की तेज समुद्री धाराओं से बचने के लिए अटलांटिक महासागर में एक लंबा चक्का लगाया और फिर केप ऑफ गुड होप के दौरे के लिए पूर्व की ओर एक मोड़ ले लिया। ये भारत की खोज में उनकी पहली प्रमुख सफलता थी। फिर 7 नवंबर को उनका बेड़ा आज के दक्षिण अफ्रीका में स्थित सेंट हेलेना बे में पहुंचा।
उस समय सेंट हेलेना बे का मौसम बहुत खराब था। वहां बहुत तेज हवा और समुद्री लहरें चल रही थीं, जिस वजह से वास्को डिगामा का दल अगले 22 नवंबर तक आगे नहीं बढ़ सकता था। लेकिन फिर भी कुछ दिनों बाद मौसम अच्छा होने पर उन्होंने यात्रा करना शुरू कर दिया और वे केप ऑफ गुड होप पहुंच गए, जहां पहुंचकर उन्होंने इस जगह का अच्छे से दौरा किया। दोस्तों आपको बता दें, जब वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप नामक स्थान पर पहुंचे तो तभी उन्होंने महसूस किया कि उसका भारत तक मार्ग खोजने का सपना हकीकत में तब्दील हो सकता है। और फिर मार्ग को चिन्हित करने के लिए पहले के भांति वहां एक पत्थर का स्तंभ स्थापित किया और फिर आगे की यात्रा की तैयारी करने लगे। केप ऑफ गुड होप के आगे की यात्रा उन्होंने 8 दिसंबर को शुरू की थी और क्रिसमस आने तक वे दक्षिण अफ्रीका के नटाल तट पर पहुंच गए। अलग अलग नदियों को भीतर और बाहर से पार करते हुए डिगामा का बेड़ा धीरे धीरे मोजाम्बिक की ओर पहुंचना शुरू हुआ। इस बीच वे लगभग 1 महीने तक कहीं पर रुके और जहाजों के मरम्मती का काम किया। फिर 2 मार्च 1498 को डिगामा का बेड़ा मोजाम्बिक द्वीप पर पहुंच गया। जब डिगामा अपने दल के साथ मोजाम्बिक की धरती पर उतरा और वहां के निवासियों से मिला तो उन्हें लगा कि ये पुर्तगाली जहाजी भी उन्हीं की तरह मुसलमान है, इसलिए उन लोगों ने उनकी खूब मदद की। डिगामा का मोजाम्बिक में पड़ाव डालना काफी उपयोगी सिद्ध हुआ। वहां उसे समुद्र के किनारे बंदरगाह पर सोने चांदी तथा मसालों से भरे हुए 4-5 जहाज दिखाई दिए। उसकी मुलाकात ऐसे स्थानीय लोगों से भी हुई जो कभी कभी भारतीय समुद्री तटों की यात्रा करते थे। इससे वास्को डिगामा को पूरा विश्वास हो गया कि वो उचित दिशा की ओर आगे बढ़ रहा था। उसे उस दिशा को समझने में भी मदद मिली जिधर अब उसे आगे बढ़ना था। फिर 7 अप्रैल 1498 को उनका बेड़ा मोम्बासा में प्रवेश कर गया तथा यात्रा के एक और महत्वपूर्ण ठहराव मोम्बासा के ही मालिंदी में लंगर डाल दिया। मालिंदी में डिगामा की मुलाकात कांजी मालम नामक एक ऐसे गुजराती नाविक से हुई जो भारत के दक्षिण पश्चिम तट के कालीकट जाने का मार्ग जानता था। उस गुजराती नाविक के महत्व को देखते हुए डिगामा ने उसे भी मार्गदर्शक के रूप में अपने बेड़े में ले लिया और फिर अगले 20 दिन तक लगातार हिंद महासागर में चलने के बाद डिगामा को धीरे धीरे भारत के घाट और पहाड़ दिखने लगे। फिर 17 मई 1498 को वो भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित कालीकट के बंदरगाह पर जा पहुंचा। कालीकट में स्थानीय राजनयिकों द्वारा वास्को डिगामा का काफी अच्छी तरह से स्वागत किया गया। वो यहाँ लगभग अगले 3 महीने तक रहा और भारत के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा करता रहा। दोस्तों, वास्को डिगामा के भारत आने और उसके कालीकट में उतरने के बाद भी कई ऐसी घटनाएं हुई जिसके बारे में अभी भी लोगों में सहमति नहीं हो पाई है, लेकिन हम अपने किसी और वीडियो में उसके भारतीयों के साथ किए गए जुल्म और अत्याचार पर अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ उसकी यात्रा पर वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, यहाँ 3 महीने रहने के बाद वास्को डिगामा 2 साल से अधिक समय की यात्रा करते हुए 18 सितंबर को पुनः लिस्बन लौट आया। इस दौरान उसने लगभग 38,600 किलोमीटर की यात्रा की थी। और दोस्तों आपको बता दें कि इस लंबी साहसिक यात्रा में उसके कुल 170 साथी थे, जिसमें से 116 की यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई थी। वास्को डिगामा की इस उपलब्धि से पुर्तगाल के राजा बहुत खुश हुए थे तथा उन्होंने उसे दूसरी बार फिर से 1502 में भारत की यात्रा पर भेजा था। इतिहासकारों का मानना है, जब डिगामा विभिन्न प्रकार के भारतीय मसालों और रेशम के साथ अपने देश पुर्तगाल लौटा तो उसने केवल मसाला बेचकर ही यात्रा पर खर्च किए गए पैसों से 4 गुना ज्यादा पैसे कमा लिए थे। दोस्तों, फिर 1524 में वास्को डिगामा की मृत्यु कालीकट में ही तब हो गई जब वो अपनी तीसरी यात्रा पर भारत आया हुआ था और कई इतिहासकारों के मुताबिक उसकी मृत्यु का कारण मलेरिया था। दोस्तों, जब डिगामा ने यूरोप और भारत के बीच का समुद्री मार्ग खोज लिया था तब डिगामा का नाम पूरे यूरोप में बहुत मशहूर हो गया था और उसकी उस साहसिक यात्रा की चर्चा सभी यूरोपीय देशों में होने लगी थी तथा धीरे धीरे अन्य देशों ने भी उसी खोजे गए रास्ते से अपने अभियान भारत भेजने शुरू कर दिए थे, जिस वजह से पुर्तगालियों के बाद डच, डेनिश, ब्रिटिश और फ्रांसीसी भी भारत आना शुरू हो गए थे। उसके बाद आगे के दशक में भारत में जो भी हुआ वो हम अच्छे से जानते हैं कि कैसे भारत इन यूरोपीय देशों की कॉलोनी बन गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।